तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि सावन का सोमवार इस बार 2 महीने का होने जा रहा है, तो इसी सोमवार से रिलेटेड अपन कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि सावन के सोमवार में क्या नहीं करना चाहिए, भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करें, सावन के सोमवार की पूजा विधि क्या है, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, सावन के पहले सोमवार पर पंचक का साया है तो उस बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही दोस्तों सावन के सोमवार का अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा, पहले सावन के सोमवार पर रुद्राभिषेक का समय क्या रहेगा, पहले सोमवार पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सावन के सोमवार के दुर्लभ उपाय क्या रहेंगे, सावन के सोमवार की क्या पूजा सामग्री रहेगी, सावन में इस बार आएंगे 8 सोमवार तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही दोस्तों पहला सावन का सोमवार 2023 में चौघड़िया मुहूर्त है तो उसके मुहूर्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑलमोस्ट सभी जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा जिससे सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, कहीं से भी छूटे ना। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे और लोग भी सावन के सोमवार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। तो नमस्कार, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सावन का महीना शंकर भगवान को समर्पित है। भगवान शिव की पूजा के लिए सावन का महीना बेहद ही खास माना जाता है। इस बार सावन का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। इस बार सावन का महीना एक नहीं बल्कि पूरे 2 महीने का होने जा रहा है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को है। सावन के सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इस साल सावन महीने में कुल 8 सावन के सोमवार के व्रत हैं। 4 सावन के सोमवार के हैं और 4 सावन में जो अधिक पड़ रहा है उसके हैं। सावन के सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि विधान से की जाती है। जिसको मन चाहे जीवन साथी की कामना होती है वह भी सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं। सोमवार का व्रत रखने से सुख समृद्धि और उन्नति की मनोकामना पूरी होती है। सावन सोमवार व्रत के कुछ अपने नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। यदि आप उन नियमों को नहीं मानते हैं तो आपका व्रत निष्फल हो सकता है। सावन के पहले सोमवार के दिन बुधादित्य योग का संयोग बन रहा है। सावन को मनोकामना पूर्ति महीना भी कहा जाता है क्योंकि त्रिदेव में शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह बेहद जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन सोमवार के दिन शिव पूजा जल्द फलित होती है। वैसे तो शिव जी एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन सावन के सोमवार की पूजा में कुछ विशेष सामग्री का इस्तेमाल किया जाए तो मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जानते हैं कि सावन के सोमवार में क्या नहीं करना चाहिए। तो सावन के सोमवार के महीने में दिन के समय में नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि इससे भोलेनाथ की कृपा नहीं मिलती है। शिवलिंग पर केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने इन चीजों के सेवन से भक्तों को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। आगे जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करें। तो सावन के सोमवार के दिन कुछ काम करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन फल फूल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो केवल मात्र एक लोटा जल चढ़ा देने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाने से पहले पंचामृत चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। आगे जानते हैं कि सावन के सोमवार की पूजा विधि क्या है। तो सावन के पहले सोमवार से 16 सोमवार व्रत भी शुरू किया जाता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और शिव जी की पूजा करें। शाम को प्रदोष काल मुहूर्त में घर या मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, गाय का दूध, गंगाजल, भस्म, अक्षत, फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। सावन के सोमवार के व्रत की कथा का पाठ करें। शिव चालीसा, शिव रक्षा स्तोत्र पढ़ें। शिव मंत्र का जाप करें, आरती करें और जरूरतमंदों को वस्त्र, अनाज, तिल, गुड़, चांदी, रुद्राक्ष आदि दान करें। आगे जानते हैं कि सावन के सोमवार का महत्व क्या है। तो सावन के सोमवार कई बाधाओं को दूर करने के लिए अति उत्तम माना जाता है। अगर आपके विवाह का योग नहीं बन पा रहा है या विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो सावन के सभी सोमवार का व्रत करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी सावन के सोमवार का व्रत
करना उत्तम माना जाता है। अगला है कि सावन के पहले सोमवार पर पंचक का साया है। तो मित्रों, पंचक 5 दिनों का की एक अशुभ अवधि होती है। 6 जुलाई को दोपहर 1:38 से पंचक की शुरुआत हुई थी। उसका समापन 10 जुलाई को सावन के पहले सोमवार वाले दिन शाम को 6:59 पर होगा। यानी इस दिन पूरे दिन पंचक का साया रहेगा। पंचक की शुरुआत गुरुवार के दिन हुई थी, इसलिए शिव आराधना पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। अब जानते हैं कि सावन के सोमवार का मुहूर्त क्या रहेगा। तो सावन के पहले सोमवार वाले दिन सावन अष्टमी तिथि सुबह से लेकर शाम 6:43 तक है। सुकर्मा योग दोपहर 12:34 से है, जो पूरी रात रहेगा। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। अब जानते हैं पहले सावन के सोमवार पर रुद्राभिषेक का समय क्या रहेगा। तो पहले सावन के सोमवार पर रुद्राभिषेक का खास संयोग बन रहा है। इस दिन शिव वास गौरी के साथ हैं और रुद्राभिषेक तभी होता है जब शिव वास होता है। इस दिन रुद्राभिषेक का शुभ मुहूर्त प्रातः काल से लेकर शाम 6:43 तक रहेगा। सावन के सोमवार के दिन प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। सावन के पहले सोमवार पर शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:38 से लेकर 7:22 तक है। ऐसी मान्यता है कि शाम के वक्त में रुद्राभिषेक करने से शिवजी सभी कष्टों को दूर करते हैं। आगे जानते हैं कि सावन के सोमवार के दुर्लभ उपाय क्या रहेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार शिवजी को कई तरह से पुष्प प्रिय हैं, लेकिन मान्यता है कि सावन के सोमवार की पूजा में शिवलिंग पर कमल के फूल चढ़ाने से व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग जाती है। सावन के सोमवार को प्रदोष काल में ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर कमल के पुष्प चढ़ाएं। यह शिवजी का धनदायक मंत्र है। मान्यता है इस उपाय से गरीबी 7 जन्मों तक छू भी नहीं सकती। आगे जानते हैं कि सावन के सोमवार की पूजा सामग्री क्या रहेगी। तो सावन के सोमवार में शिव पूजा के लिए विशेष पूजन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसके लिए कच्चा दूध, गंगा जल, दही, घी, शहद, भांग, धतूरा, शक्कर, केसर, चंदन, बेलपत्र, अक्षत, भस्म, रुद्राक्ष, समीपात्र, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, कपूर, धूप, दीप, शिव के प्रिय फूल जिसमें कि हार सिंगार, आक, कनेर, इत्र, पंचमेवा, काला तिल, सोमवार व्रत कथा पुस्तक एकत्रित कर लें। इस साल अधिक मास लगने के कारण सावन 2 महीने यानी कि 59 दिनों का होगा और सावन में कुल 8 सोमवार पड़ेंगे। इसमें केवल 4 सावन सोमवारी के व्रत ही मान्य होंगे। सावन का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई 2023 को है। सावन का दूसरा व्रत 17 जुलाई 2023 को है और तीसरा सोमवार 21 अगस्त 2023 और चौथा सोमवार 28 अगस्त 2023 को पड़ेगा। अगर बात करें सावन के पहले सोमवार पर चौघड़िया मुहूर्त की, तो अमृत सर्वोत्तम सुबह 5:30 से लेकर सुबह 7:14 तक और शुभ उत्तम सुबह 8:58 से लेकर के सुबह 10:42 तक। प्रदोष काल मुहूर्त की बात करें तो रात को 7:22 से लेकर रात को 8:38 तक रहेगा। तो मित्रों, यह थी संपूर्ण जानकारी सावन के सोमवार की। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे और लोग भी यह ज्ञान प्राप्त कर सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले किसी स्थान पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।